पिस्टन जीरो, एवरेज स्पीड जीरो, टॉप स्पीड जीरो, सब कुछ जीरो। भाई देखो यार, स्कूटर आगे पीछे होते रहता है, देखिए देख सकते हो आप कैमरे में, देखिए भाई देखिए। डबल सीट पे थोड़ा आपको कम पिकअप दिखेगा, बाकी अदरवाइज तो बहुत मजा आ जाता है भाई साहब। और अभी इसका एक मिनट के लिए परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं भाई साहब। ओके लेट्स गो। थोड़ा ख्याल रखिए और अपने स्कूटर को इतना ड्राई होने तक मत चलाइए, क्योंकि अपने स्कूटर की जो बैटरी है वो इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, वरना इसके बीच में डिस्टर्बेंस देखने मिलेगा और आपका जो कैलकुलेशन है थोड़ा बिगड़ सकता है। मैं सिंगल राइडर ही था इस वजह से थोड़ा इसका रेंज जो है ये कोई ठप्पा नहीं लगा हुआ है भाई, अपनी अपनी ड्राइविंग स्टाइल होती है। सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन, दिस इज अनुज और आप देख रहे हैं अनुज एंड द ब्लॉग। तो भाई अभी सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि अपनी जो है कल इसका एक वीडियो शूट होने वाला है, जो कि होगा अपना स्पोर्ट मोड का रेंज का। ओके तो सबसे पहले बैटरी हमने कल रात में 100% चार्ज कर ली थी, उसके बाद अगर अब देखा जाए तो 1% इसमें ड्रॉप देखने के लिए मिला है, जो मैं आपको बता दूंगा अभी। और सब कुछ डिटेल जो भी स्पोर्ट मोड की है वो सब कुछ आपको दे दूंगा और पूरा फुल ऑन इसका रेंज टेस्ट भी हम कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख लो भाई, 99 किलोमीटर यहाँ पर पूरे है, जो कि हमने जैसे मैंने आपको बताया फुल चार्ज की थी गाड़ी, बट यहाँ पे अभी 98% है और 99 किलोमीटर स्कूटर चलने वाला है। 143 किलोमीटर गाड़ी पूरी चली है और भाई लिटरली कल से पूरा दिन और आज भी मेरे पास में 2 दिन हो गए लगभग पूरा स्कूटर है, तो अच्छा खासा मैं इसे टेस्ट भी कर चुका हूँ। और अब अगर आप देखो तो एकदम मॉर्निंग हुई है, डिस्टेंस जीरो, एवरेज स्पीड जीरो, टॉप स्पीड जीरो, सब कुछ जीरो, 124 इको मोड चलेगा, नॉर्मल 99 एंड स्पोर्ट जो है वो 86 किलोमीटर की रेंज अपने को बता रहा है। ब्राइटनेस कर देंगे फुल। और अभी जो है भाई एकदम अर्ली मॉर्निंग हम निकले, तो आप देख सकते हो मौसम जो है बहुत प्यारा है। 143 किलोमीटर ऑल टाइम है भाई, ट्रिप मीटर को आपको नहीं देखना है, 143 किलोमीटर पर अपन यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ से अभी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं भाई और चलते हैं रेंज टेस्ट की तरफ, लेट्स गो। तो भाई स्पोर्ट मोड मैंने डाल चुका हूँ और घर के बाहर स्कूटर पे निकल चुका हूँ। देखिएगा आप, स्कूटर आगे पीछे हो रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं, दोनों हाथ मेरे इधर है, बट ये पता नहीं मोटर का लैग क्या है, क्या दिक्कत है इसकी। देखिए स्कूटर आगे पीछे हो रहा है, आप अगर देख पाओ तो देखिए, ठीक है, ये बड़ी दिक्कत है यार। चलो लेकिन अभी सबसे पहले स्पोर्ट मोड अपना स्टार्ट हो चुका है भाई और अर्ली मॉर्निंग आप लोगों के लिए शूट चल रहा है भाई, तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है, क्योंकि यार बाद में फिर टाइम नहीं मिलता और जो हमारी रेंज टेस्ट है उसके लिए काफ़ी वक्त लगता है भाई। आप नेचर देख लीजिए भाई, क्या सुपर लग रहा है, एकदम मॉर्निंग में निकलने का मज़ा ही कुछ हो रहा है। ओके और वो भी अपने S1 एयर के साथ में फुल राइड का मज़ा ले रहे हैं हम। तो स्पोर्ट मोड भाई सबसे पहले जो है, आपको इतना नीड तो नहीं है इसका सिटी में, बट जब आपको ज़रूरत गिरे, जब आपको अगर पूरा परफॉर्मेंस लेना है और आप लोगों को अगर हाईवे पे ही स्कूटर चलाना है, तो आप लोगों के लिए बहुत काम में आने वाला है। थोड़ा सा गाड़ी को रन कर लेंगे, एक अच्छे से हाईवे पे लग जाएंगे, क्योंकि जैसे कि मैं अभी सिंगल पर्सन निकला हूँ भाई, ये भी आपको बताते चलूँ कि मैं सिंगल पर्सन राइडिंग टेस्ट कर रहा हूँ, आपको इसका परफॉर्मेंस भी दिखाते चलूँगा। तो आप देखिए यहाँ पर थोड़ा हील भी है भाई और अच्छा खासा डीप हील है, ऐसा नहीं है। तो इस पर भी अगर स्पोर्ट मोड को रखा जाए भाई, तो अभी 4 किलोमीटर हो चुके गाड़ी आप देख सकते हो, और अभी इसका एक मिनट के लिए परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं भाई साहब। ओके लेट्स गो। ओके तो भाई एक सेकंड के लिए मैं ये भी देखना चाहता था कि ये कितना सही तरीके से उठता है, मतलब मैं तो चला चुका हूँ बट आप लोगों को बता रहा था कि स्पोर्ट मोड में कोई भी दिक्कत आपको नहीं देखने मिलती, एकदम परफेक्टली उठ जाता है स्कूटर, कोई इशू नहीं, पावर भी पूरी मिलती है भाई। स्पोर्ट मोड में क्या है ना, सारे सेल बैटरी के एक्टिव हो जाते हैं, तो आपको पावर जो है वो बहुत फास्ट क्विक देखने मिल जाती है, जिस वजह से जो बैटरी का रेंज ड्रॉप है वो भी हमें देखने मिलता है भाई साहब। ओके तो अभी भाई स्कूटर 1451 किलोमीटर हो चुका है, अब अपन इसको जैसे ही थोड़ा सा 15-20 किलोमीटर चला ले, उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ। ओके तो भाई अभी देख सकते हो आप, अपन 143 किलोमीटर पर निकले थे, 154 किलोमीटर यहाँ पर हो चुके हैं, यानी कि टोटल 11 किलोमीटर स्कूटर चल चुकी है और जो हमारे किलोमीटर है वो 86 बता रहे थे जो हमारे स्पोर्ट मोड के थे, और अभी जो है 75 किलोमीटर, यानी कि हम यहाँ 11 किलोमीटर स्कूटर एग्जैक्ट जो हमने चलाई वो 11 किलोमीटर चली है, और 143 पे जब निकले थे हम तो 7 और 4 11 किलोमीटर वहाँ पर भी बता रहा है। उसके बाद में रेगुलर जैसा हम चलाते हैं वैसे ही मैं चला रहा हूँ, 50-60 की स्पीड मेंटेन है। अब यहाँ पे 75 किलोमीटर अपने पास में स्टिल रहते हैं, इट मीन्स अगर देखा जाए भाई, तो अगर इसे इज्जतदारी से चलाया जाए, जबकि स्पोर्ट मोड भी हो, तो आपको जो है इसने जो रेंज दी है 11 किलोमीटर अगर इधर है तो इधर भी 11 ही होगा। होता क्या है, जब हम टोटल को कैलकुलेट करते हैं तो हम सोच के निकलते हैं कि इतनी रेंज हमें मिलेगी अगर आप ज्यादा नहीं भगाओ तो, वरना इसके बीच में डिस्टर्बेंस देखने मिलेगा और आपका जो कैलकुलेशन है थोड़ा बिगड़ सकता है। तो मैंने सिर्फ एक सेकंड के लिए जो हमारा आगे का पुल है मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 80 की स्पीड लेके आपको स्टार्ट में दिखाई है, उसके बाद अभी उसके 50-60 की स्पीड ही कंटिन्यू मेरी मेंटेन है। ओके तो भाई क्योंकि रिक्वायरमेंट ही नहीं है, अभी जैसा मुझे यहाँ पर भगा सकता हूँ तो यहाँ पर मैं भगा लूंगा। ओके हाईवे है तो भाई यहाँ पर आराम से आप भगा सकते हो, बट सिटी में स्पोर्ट मोड भी अगर आपने डाल रखा है तो 50-60 की स्पीड तो आप ले ही नहीं पाओगे, 40-50 ही इन कॉमन हमारी स्पीड निकल कर आती है भाई। ओके अगेन आप ये देख लीजिए भाई कि जो चढ़ाई है सिंगल पर्सन पे तो आराम से खींच लेता है, डबल सीट पे थोड़ा आपको कम पिकअप दिखेगा, बाकी अदरवाइज तो बहुत मजा आ जाता है भाई साहब। तो स्कूटर जो है भाई देखिए, अभी यहाँ पर अगर आप
भगा सकते हो तो यहाँ पर तो आप भगाओगे, 50-60 की स्पीड तो नॉर्मल हो ही जाएगी ना, ऑब्वियस बात है। उसी के साथ देखिए आप रीजन का भी कितना सही प्रॉपर वर्किंग हो जाता है स्कूटर का। अगर आप रीजन के साथ में स्कूटर को चलाओ तो ये और भी रेंज देगा, मतलब कि क्रूज कंट्रोल, और जब भी ब्रेक लगाना है तो रीजन के थ्रू लगाइए तो जो रेंज है वो और भी इंप्रूव आपको देखने मिलेगी। बस भाई सिंगल डिस्क ब्रेक की स्पोर्ट मोड में बहुत ज़्यादा नीड लगती है, ये आप लोगों को भी फील होगा जब आप हाई स्पीड पे हो तो थोड़ा कॉन्फिडेंस अपने को जो है वो कम देखने के लिए मिलता है भाई। ओके, ये बात का थोड़ा सा यार एक रिग्रेट रहेगा। ओके तो चलिए भाई मज़ा आ रहा है, जो है स्पोर्ट मोड को कंटिन्यू कर लेते हैं। 166 किलोमीटर गाड़ी है भाई, अब जो है 176 किलोमीटर पर अपन रुक जाएंगे। ओके सब अभी आप देख सकते हो जैसे कि 166 पे मैंने स्कूटर को रोका था और अब 176 किलोमीटर हो चुके हैं, यानी कि 33 किलोमीटर यहाँ पर जो ऑल टाइम में अगर आप देखो तो 33 किलोमीटर स्कूटर रन हुई है। और अगर यहाँ पर देखो भाई जो 86 पे हम निकले थे अब 48 आए, यानी चली स्कूटर जो है वो 33 है और जो हमें टोटल है वो 38 दिखा रहा है, यानी 5 किलोमीटर का यहाँ पर जो किलोमीटर में है हमें ड्रॉप देखने मिल रहा है। तो भाई वाकई में देखा जाए तो नॉर्मल मोड से ज़्यादा रेंज तो मुझे इसकी बेहतर लगी है। उसके बाद टोटली जब तक ड्रेन ना हो जाए स्कूटर जब तक हम चला लेंगे। ओके तो वैसे भी धूप बहुत हो रही है भाई, आप देख सकते हो कब से रेन टेस्ट चालू किया था और कितना टाइम हो चुका है। तो प्लीज भाई एक लाइक शेयर बनता है भाई, बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है। तो अब 191 किलोमीटर का रेंज है भाई, आप देखते हैं। तो आप देख सकते हो भाई लो बैटरी चार्जिंग इन नॉर्मल मोड अपने को यहाँ पे शो कर रहा है। ओके तो इसमें अंदर आप अगर आपको बताऊँ तो जो 86 किलोमीटर जब हम घर से निकले तो जो स्पोर्ट मोड शो हो रहा था उसके अंदर आपको इको और नॉर्मल भी पकड़ के बताया जाता है। अगर एवरेज देखे भाई तो स्पोर्ट मोड का यहाँ तक हमारा 55 किलोमीटर का निकल कर आता है। अभी इसे ड्रेन होने तक चला लेंगे और स्कूटर जो है आप लो बैटरी पर लग चुका है, आप देख सकते हो। तो अगेन अभी यहाँ पे जो मोड है स्पोर्ट का ये शिफ्ट हो जाएगा, स्कूटर जो है 2 मिनट में अभी बंदी कर लेंगे, हो गया नॉर्मल मोड। ओके तो अब यहाँ से निकल जाते हैं अगेन, और पूरा ड्रेन होने के बाद में अगर आपको मैं बता दूँ तो जो भी इसका कैलकुलेशन और टोटल रहेगा आप घर जाके हम देख लेंगे। क्योंकि भाई कई लोगों को क्या कन्फ्यूजन होता है ना कि जो रेंज कंपनी बता रही है वो टोटल समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। स्पोर्ट मोड आपका 21 किलोमीटर पे बंद हो जाता है, जैसा आप 22 के आसपास आप देख लीजिए तो वहां से जो है आपका नॉर्मल और इको मोड लग जाएगा, तो वो तो स्पोर्ट मोड नहीं रहा ना, नॉर्मल सी बात है। तो लेट्स गो, अभी आप देख सकते हो स्कूटर 199 पर है। अब जैसे ही थोड़ा सा इको मोड बस बैटरी ड्रेन होने में आ जाए वहां पर आपको मिलता हूं। अभी जो है इको मोड भी लग चुका है आप देख सकते हो, और 203 किलोमीटर स्कूटर हो चुका है भाई। देखो यार स्कूटर आगे पीछे ही होते रहता है, देखिए देख सकते हो आप कैमरे में, देखिए भाई देखिए, ठीक है आगे पीछे होते रहता है। और अचानक से बस इसका थोड़ा एक्सीलरेटर अगर थोड़ा रीजन की तरफ घुमाओ तो रुक भी जाता है, पता नहीं मोटर रुकने में डिले लेता है क्या जैसे ऑन करो। ठीक है चलो देखते हैं। तो भाई लगभग जो रेंज है मेरे हिसाब से जो है ना भाई कम से कम नॉर्मल मोड के लगभग आसपास ही निकल कर आ रही है, जैसा हम चलाते हैं वैसा। तो उस हिसाब से स्पोर्ट मोड को भी मैंने चलाया है, तो इट मीन्स ओवरऑल अगर आपको बताऊँ मैं सिंगल राइडर ही था इस वजह से थोड़ा इसका रेंज जो है ज़्यादा भी देखने मिल सकता है। फिर घर जाके हम इसका जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा देख लेंगे। ओके भाई आप देख सकते हो अभी हम घर पर आ चुके हैं, तो टोटल अगर देखा जाए भाई अभी यहाँ पर 212 है और 1 किलोमीटर यहाँ पर बचे, यानी कि 213 किलोमीटर इसको पकड़ लेंगे हम टोटल। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट देखा जाए तो 143 किलोमीटर पर अपन निकले थे जो कि अब यहाँ पे 212 किलोमीटर है, यानी कि करीबन 70 किलोमीटर की रेंज इसमें अपने को देखने मिली। और इसकी भी स्पीड जो हमने नॉर्मल मोड की रेंज टेस्ट निकाली थी उस हिसाब से हमारी मेंटेन थी। तो जब मैं घर से निकला था आपने देखा था यहाँ पर सब कुछ जीरो था, डिस्टेंस हमने 69 किलोमीटर कवर कर लिया है और जो हमारी एवरेज स्पीड है वो 37 की थी। उसके बाद में मतलब एकदम कॉमन जो जनरल थी ही थी। उसके बाद टॉप स्पीड जो है हम 80 यानी कि जो हमारी फुल ऑन स्पीड है इसकी वो भी लेके गए, बट ये कंटिन्यू नहीं थी भाई साहब, इस वजह से इसकी रेंज जो है भाई लगभग नॉर्मल की जैसे ही हमारी सेम निकल कर आती है। और अगेन आपको बता दूं नॉर्मल मोड में हमारे साथ जो पिलियन है काफी आधे वक्त से थे, तो नॉर्मल मोड भी हमने ऐसे ही चलाया था जैसा मैंने स्पोर्ट मोड को चलाया। इट मीन्स जहां जहां हमें नीड है उसे तो हाईवे वगैरह पे भी ज्यादा चलाने में आया था, उसमें पिलियन भी आधे में से साथ में थे भाई हमारे, वहां तक आपने देखा ये 55 किलोमीटर चला है इन रियल लाइफ अगर सिर्फ स्पोर्ट मोड की रेंज देखा जाए तो। उसके बाद तो भाई नॉर्मल और इको लगता है वो टोटल अगर कैलकुलेट करके देखो तो 70 है, जैसे कि सेम टू सेम हमारी जो नॉर्मल मोड की रेंज मैंने आपको बताई थी। और मैंने उसमें आपको हमेशा ये बताया कि अगर आप अच्छे से चलाओ इज्जतदारी से, जैसा आप 40-50 की स्पीड अगर सिर्फ कंटिन्यू उतनी ही मेंटेन रखो तो 90 के आसपास भी वो आपको दे देगी। और ये भी हमने ऐसे चलाया जैसे भाई हमने नॉर्मल मोड में चलाया था। अब अगर मैं इसे भी कंटिन्यू हाई स्पीड पर ही रखता 60 प्लस ही रखता तो ये भी थोड़ी रेंज हमें कम ही देती है। तो ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस है इन रियल लाइफ जैसा मैं स्कूटर चलाता हूं, जो जरूरत हमारे कॉमन लोगों की होती है उस हिसाब से ये रेंज टेस्ट है कि इनडायरेक्टली आपको 70 किलोमीटर की रेंज तो कैसे भी ये स्कूटर निकाल कर दे ही देगा भाई साहब। ओवरऑल मोड की बात कर रहा हूं मैं, ये कोई ठप्पा नहीं लगा हुआ है भाई, अपनी अपनी ड्राइविंग स्टाइल होती है। तो ये था भाई हमारा कुछ रेंज टेस्ट, अब इसको थोड़ा सा चार्जिंग पे लगा देंगे भाई साहब। फाइनली भाई अभी अपन ने स्कूटर को जो है चार्ज पे लगा दिया है। तो भाई अब मेरा आपको यही कहना है कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है भाई आप लोगों के लिए। कब निकले थे 11 बज चुके हैं, आप वीडियो भी देख सकते हो, अर्ली मॉर्निंग हमने स्टार्ट किया था। तो भाई सारी चीज़ें अच्छे से सही कुछ बताने के लिए वक्त लगता है, और जो मैं टेस्ट कर रहा हूँ भाई जो आपको बता रहा हूँ वो इन रियल लाइफ है। जिसको ज़्यादा लग रही है अगर किसी को मिल रही है तो वो अपने ड्राइविंग स्टाइल पर है, मैंने अगेन आपको बताया भाई साहब। ओके तो आप जो है भाई चार्जिंग के वक्त भी थोड़ा ख्याल रखिए और अपने स्कूटर को इतना ड्राई होने तक मत चलाइए, क्योंकि अपने स्कूटर की जो बैटरी है वो इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, आपके मैनुअल में भी लिखा है। तो इसे ड्राई होने तक आपको नहीं चलाना है। अभी अपन ने इसको लगा दिया है भाई, और इसको अब थोड़ा सा इसके भी पेट पूजा होने देते हैं। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, और कुछ भी डाउट है भाई कुछ भी है तो कमेंट में बताइए। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।